उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है, जहां तहसील ऋषिकेश के प्रीतत नगर रायवाला पेयजल योजना को लेकर ग्रामीण आए दिन अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 19 करोड़ खर्च करने के बाद भी जनता को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि जल संस्थान ने लोगों के घरों में मीटर तो लगा दिए हैं, लेकिन उनका कनेक्शन नहीं जोड़ा है, जिसके चलते उनके घरों में पानी नहीं आ रहा है, लेकिन हजारों रुपए का बिल जरूर पहुंच रहा है। जिला पंचायत सदस्य दिव्या बेलवाल ने उपभोक्ताओं के आ रहे बिलों को लेकर अधिकारियों का घेराव किया। ऋषिकेश से महेश पवार की रिपोर्ट। यहाँ पर जो जनशक्ति है वो देहरादून मुख्यालय में उन्होंने इनका घेराव किया था और आज उनके कुछ अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद हुए हैं और उन्होंने सर्वे किया। उन्होंने देखा कि वास्तविक में जिस चीज के लिए ये लोग वहाँ पर गए थे, मुख्यालय में घेराव किया था, वो वास्तविक स्थिति यहाँ पर पाई गई है। कई लोगों के कनेक्शन ऐसे हैं जिनके मीटर चालू भी नहीं हुए हैं और उनके 7,000 रुपए के बिल उन्होंने देखे हैं, तो उन्हें भी लगा है कि ये बिल जो है वो नाजायज हैं। तो उन्होंने हमें ये आश्वस्त किया है कि आने वाले 10 दिनों के अंदर अंदर वो इन समस्या का समाधान करेंगे और पूर्व में जितने भी इनके बिल हैं, जो बेकार ही समझिए आप, उन जो नाजायज बिल हैं उनको उन्होंने कहा है कि यहीं पे समाप्त कर दिया जाएगा और आने वाले टाइम पे जो नई रीडिंग के आधार पर उनको बिल दिया जाएगा। चाहते हैं कि लोगों के यहाँ मीटर भी नहीं लगे हुए हैं, कनेक्शन भी नहीं है और पानी के बिल किसी के 7,000, किसी के 8,000, किसी के 10,000 ऐसे आए हुए थे। तो इन लोगों ने इनके डिपार्टमेंट में ऑफिस में जाकर देहरादून में घेराव किया था, वहाँ से अधिकारी आए थे। आज उन्होंने स्थानीय निरीक्षण किया, निरीक्षण करने के बाद में जो समाधान हुआ कि जिसके शिकायत जिनकी जिनकी थी उसी के हिसाब से देखा इन्होंने, उसका समाधान कर दिया है। जिनकी बिल आ रखे हैं और उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया उसे माफ किया जाएगा और आगे से नया बिल बना के इनको दिया जाएगा और नए तरीके से समाधान किया जाएगा। उसके अलावा जगह जगह सड़कों पे गड्ढे खोद के कनेक्शन दिए हैं, वो गड्ढे को छोड़ दिया गया था, उसे भी इन्होंने तत्काल प्रभाव से जल्द रिपेयर करने की आश्वासन दी है। ये मुर्गी फार्म इलाके में प्रदीप नगर में कुछ लोग कल जस्ता मुख्यालय गए थे तो वहाँ पर ये श्री चंद्र बिलास जी का मुझे फोन आया था कि इन लोगों की समस्या है पहले भी, वो वार्ड वन की विजिट कारण थोड़ा व्यस्त रहा, मैं तो यहाँ आ नहीं पाया। यहाँ पर आके वर्तमान में हमने देखा कि लोगों के कई कनेक्शन हो रखे हैं लेकिन घर तक जुड़े नहीं है, तो उनकी समस्या का मौके पर समाधान किया है। ऊपर से मिले आदेश के अनुसार उनके सबके बिल माफ कर दिए जाएंगे और जिनको उन्हें रखना है उनके हम आगे से रखना चालू करके उनके हम आगे से बिलिंग करेंगे।